तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये इन्फिनिक्स के ऊपर होने वाला है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, यदि हमारे पास कोई इन्फिनिक्स कंपनी का मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको यदि अनलॉकिंग करना चाहते हो या उसमें FRP हटाना चाहते हो तो उसको आप कैसे हटाएंगे। तो आज दोस्तों जो हम लोग वीडियो सीखने वाले हैं, वो वीडियो के माध्यम से जो हम लोग सीखने वाले हैं वो इन्फिनिक्स के बारे में सीखने वाले हैं कि इन्फिनिक्स का जो मोबाइल फ़ोन आता है, उन इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन के अंदर यदि पैटर्न लॉक लग जाता है, पासवर्ड लॉक लग जाता है, FRP लॉक लग जाता है, अगर इस तरीके से कोई भी लॉक लग जाता है तो उस लॉक को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, उसका तरीका हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है, इन्फिनिक्स के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं, ज़्यादातर जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो मीडियाटेक CPU के होते हैं। जितने भी इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन आते हैं मीडियाटेक CPU के मोबाइल फ़ोन होते हैं। अगर क्वालिकॉम का देखा जाए तो कुछ ही मोबाइल फ़ोन है, एक आध मोबाइल फ़ोन, दो चार मोबाइल फ़ोन है, वरना मोस्टली इन्फिनिक्स कंपनी के जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मीडियाटेक CPU के होते हैं। मीडियाटेक CPU का जो मोबाइल फ़ोन होता है एक मीडियम रेंज का मोबाइल फ़ोन होता है और इसका प्राइस भी थोड़ा सा चीप एंड बेस्ट होता है, इसलिए मार्केट में अच्छा सेल होता है और इसके स्क्रीन भी बड़ी बड़ी आती हैं। तो प्राइस सस्ते होने की वजह से इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन काफ़ी मार्केट में सेल है। और मार्केट में अगर देखा जाए इन्फिनिक्स और टेक्नो दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कंपेरिजन रहता है, काफ़ी सारा सामान इन्फिनिक्स के टेक्नो में लग जाता है या टेक्नो का सामान इन्फिनिक्स में लग जाता है, या दोनों एक दूसरे से मिल करके ही, जैसे आप अगर बोला जाए ओप्पो रियलमी MI और पोको, उसी तरीके से इन्फिनिक्स और टेक्नो ये दोनों मिल करके आपस में मोबाइल फ़ोन आते हैं। और इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन मोस्टली मीडियाटेक का मोबाइल फ़ोन होते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन में अगर आप अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो या उसमें FRP हटाना चाहते हैं तो आज टूल के माध्यम से कैसे हटाएंगे उसका तरीका हम आज आपको दोस्तों सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग करके सभी चीज़ों के बारे में आपको सिखाते हैं। मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के स्टेप क्या है, कैसे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर किया जाता है, बिल्कुल ईजी वे में आपको सिखाया जाता है, ताकि आसानी से कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन को आप बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं कि कैसे इसको यूज़ करेंगे और कैसे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन आता है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इन्फिनिक्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप दोस्तों इन्फिनिक्स को सिलेक्ट कर देते हैं तो ये यहाँ पर इन्फिनिक्स का पैराग्राफ ओपन होता है, ये देखिए। ये दोस्तों जितनी भी सारी मैं वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ ये बिल्कुल इजी वे में वीडियो है, ताकि इन वीडियो के माध्यम से आप एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सीख सकें और अच्छे से समझ सकें, एक एक करके जो भी मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने का तरीका है उनके बारे में आप समझ सकें। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ ताकि आप बहुत आसान भाषा में इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन आ गया तो हमने इन्फिनिक्स ले लिया। इन्फिनिक्स को मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने के लिए सबसे पहली बात क्या है, हम लोग जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्रूम मोड का ऑप्शन आता है, किसका ऑप्शन आता है, ब्रूम मोड का। तो यहाँ पर ये देखिए ये ब्रूम मोड का ऑप्शन आता है, ये देखिए ब्रूम मोड का ऑप्शन आ रहा है। और SPD, एक मोबाइल फ़ोन आपको कहीं ना कहीं EDL मिला है, बाकी सारे ब्रूम मोड SPD हैं, EDL 2 3 4 5 6 6 7 मोबाइल फ़ोन मिले हैं जिसमें EDL का मतलब क्वालिकॉम CPU लगा, बाकी सब में मोस्टली ब्रूम लगा या SPD। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आ जाता है जैसे इन्फिनिक्स है, यदि आपके पास 410 मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो हम इन्फिनिक्स 410 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जैसे इन्फिनिक्स 410 ले लेंगे, फिर अगर उस मोबाइल फ़ोन के अंदर पासवर्ड लग जाता है, पासवर्ड लग जाता है तो आप क्या करेंगे, इन्फिनिक्स 410 ले लिया और यहाँ पर जा करके आपने फैक्ट्री रिसेट कर दिया। फैक्ट्री रिसेट करने पर प्लस माइनस दबा करके डाटा केबल लगा देना है, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन में फैक्ट्री रिसेट किया ऑप्शन चालू हो गया, प्लस माइनस दबा करके डाटा केबल लगा देना है। जैसे प्लस माइनस दबा करके डाटा केबल लगा देंगे तो डाटा केबल लगाने से आपका मोबाइल फ़ोन में फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगी और आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट हो जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन का लॉक टूट चुका होगा, जैसे इन्फिनिक्स 410 फैक्ट्री रीसेट यूजिंग डाबा डाटा।
और यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा, तो रीसेट होते ही आपका मोबाइल फ़ोन गला खुल जाएगा। वेटिंग फॉर डिवाइस यहाँ पर लिख कर गया रहा है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन हमने अभी कोई फ़ोन को नहीं लगाया फिलहाल। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन आएगा तो आप उसको लगा देंगे। उसके बाद ये तो इनफिनिक्स का तरीका है। यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है वो उसमें FRP लॉक लगा होता है, तो FRP लॉक का मतलब होता है जब फ़ोन चालू होता है नेक्स्ट 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 करने बोला Gmail ID पासवर्ड लॉगिन करने को बोलता है, तो जैसे Gmail ID पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो Gmail ID पासवर्ड लॉगिन करते ही से हमारा FRP लॉक खुलेगा। लेकिन वो कस्टमर भूल गया है या फ़ोन हमने रीसेट कर दिया, रीसेट करने में FRP मांगेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो हम लोग उसको यहाँ से FRP भी तोड़ सकते हैं। सेम जैसे मान लिया आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आ गया, ये इन्फिनिक्स Hot 10i आ गया, Hot 10i ले लियो, जो भी मॉडल आता है आप उस मॉडल को यहाँ से ले लेंगे। मॉडल लेने के बाद यहाँ पे इरेज FRP का ऑप्शन आता है, इरेज FRP को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर चालू हो जाएगा। फिर प्लस माइनस दबा करके मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करा देंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करा देंगे तो मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कराते ही आपके मोबाइल फ़ोन का लॉक खुल जाएगा। अगर मान लिया तुम्हारे पास इन्फिनिक्स कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उसके अंदर जो चिपसेट लगा होता है, जो CPU लगा होता है, वो मान लिया तुम्हारा चिपसेट क्वालिकॉम का लगा हुआ है, तो उसमें फिर EDL पॉइंट टेस्ट पॉइंट के माध्यम से शॉर्ट कराना पड़ेगा। इसके लिए आप टेस्ट पॉइंट में जाएंगे। जब आप टेस्ट पॉइंट में जाएंगे तो टेस्ट पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए इन्फिनिक्स का ऑप्शन आता है, कहीं इन्फिनिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर इन्फिनिक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिक्स 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 नहीं आ रहा, तो फिर हमको गूगल पे जाकर सर्च करना पड़ेगा, या प्लस माइनस दबा करके भी डाटा केबल से भी मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, जिसमें प्लस माइनस दबा के डाटा केबल से कनेक्ट हो जाते हैं उस मोबाइल फ़ोन में टेस्ट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो प्लस माइनस से कनेक्ट हो रहा है, तो टेस्ट पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी इन्फिनिक्स कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो सारे इन्फिनिक्स कंपनी के मोबाइल फ़ोन को हम लोग यहाँ पर ईजिली से क्या कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, या उस मोबाइल फ़ोन में आने वाली समस्याओं को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो आज की दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि इन्फिनिक्स के जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उसका लॉक वगैरह को आप लोग कैसे ब्रेक करते हैं। और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अनलॉक टूल के बारे में A से लेकर Z तक सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, ताकि आप वीडियो के माध्यम से अनलॉक टूल को पूरा चलाना सीख सकें, अनलॉक टूल के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकें। और बहुत ऐसे जिसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने अनलॉक टूल के लिए अपना कोर्स भी ज्वाइन किया है, उन्होंने स्पेशली अनलॉक टूल को चलाना सीखा है। दूसरी बात क्या है कि उन लोगों ने जो लोग इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको ड्राइवर के बारे में नहीं नॉलेज, उनको फ्लैश फाइल के बारे में नॉलेज नहीं, उनको बूट की नहीं पता, उनको टूल के बारे में नहीं नॉलेज है, कैसे मोबाइल फ़ोन में लॉक खोला जाएगा, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, इस तरीके से एक छोटा सा इसका भी कोर्स एक है, जो ऐसे जो लोग हैं जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी सॉफ्टवेयर का कोई टूल परचेस करना चाहते हैं, अनलॉक टूल परचेस करना चाहते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल हार्डवेयर का टूल परचेस करना चाहते हैं, कोई भी मशीन लेना चाहते हैं, तो वो भी नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको टूल मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा, आप उसको कहीं भी मंगा सकते हैं और आसानी के साथ में रिपेयरिंग कर सकते हैं। हमारा सब लोगों का एक ही मिशन है कि आप लोगों की रिपेयरिंग बेहतर से बेहतर हो सके, आप अच्छे तरीके से काम कर सकें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। अच्छा, जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं जो बाहर से सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनको यहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल सुविधा मिल जाती है, आराम से रह करके सीख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरा फुल डे का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, पूरा 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक क्लास होता है, और सारे बच्चे लोग पूरा दिन थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से रिपेयरिंग करना सीखते हैं। पहले उनको उस चीज़ के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, फिर उनको उनके बारे में उस चीज़ के बारे में पूरा प्रैक्टिकल कराया जाता है, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में समझाया जाता है, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके, उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।